वेलकम स्टूडेंट, संस्कार कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पत्तियों की लीफ की बात कर रहे थे, तो हम लीफ के अपन जो पार्ट है उनकी बात अपन कर चुके थे। अगर हम उनके बाद पार्ट की बात करें तो उसमें हमने पर्ण फलक, पर्ण भ्रंथ और जो पर्णाधार, इनकी अपन बात कर चुके थे। और इसमें अगर हम बात करें तो अभी तक हम अनुपर्ण के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं आज, वो बात करने वाले हैं हम पर्ण फलक के बारे में। पर्ण फलक, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है कि पर्ण फलक किसे कहते हैं? तो पर्ण फलक मैं आपको बता ही चुका हूं कि पत्ती का जो सबसे जो आगे का जो पार्ट है, चौड़ा व चपटा भाग, जो हमारे बास को सजन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो उपयोगी है, ठीक है। जैसे अपन ये स्टेम है, स्टेम ये नोड हो गई, तो यहां से क्या निकलेगी? पत्ती निकलेगी। तो पत्ती का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में क्या होगा, ठीक है। जैसे ये पत्ती है अपनी, तो ये अपना पर्ण ग्रंथ है, ठीक है, और ये अपना पर्ण फलक है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, ये एक मध्य सिरा है, ठीक है, और ये हो गई अपनी सिराएं, मेंस, और जो ये सिराएं हैं ये भी आगे ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें अपन बोलते हैं, जो सिराएं आगे डिवाइड होती हैं तो इन्हें बोलते हैं सिरिकाएं या मेंस, ठीक है। तो ये एक अपन ने सामान्य पत्ती की बात की है। सामान्य पत्ती में क्या है कि जो पत्ती का चौड़ा चपटा भाग जहां पे बाष्प उत्सर्जन और जो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं वो संपन्न हो रही है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? पर्ण फलक बोल रहे हैं। अब अगर हम इसमें बात करें, ये अपनी मध्य सिरा है, अगर ये क्या है, ये सामान्य तो क्या है, जाइलम फ्लूइड है, जो अपने जो जल और भोजन के लिए जो पत्तियों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है यहाँ पे, ठीक है। तो इन जो मध्य वाली है इसे तो बोल देते हैं अपन मध्य सिरा, मध्य सिरा, ठीक है। मेटर ये सिराएं और सिराएं जब आगे जो डिवाइड हो जाती है उन्हें सिरिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, इनको तीनों को अगर हम मिला के बात करें तो इसको बोलते हैं अपन इसे बोलते हैं पर्ण विन्यास। इनका जो कि भाई पत्ती में जो ये सिराएं हैं मध्य सिरा से ये किस प्रकार से निकल रही हैं, इनका जो अंदर का जो सीक्वेंस है, जो इनका क्रम है या इनके अंदर की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, इसके आधार इसे क्या बोलते हैं अपन? पर्ण विन्यास बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पर्ण फलक पर्ण विन्यास की बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं अपन पर्ण फलक का स्राव विन्यास। मैग्नेशन ऑफ लेमिना, ठीक है। तो हम ये बात कर चुके हैं कि सिरा विन्यास अपन किसे बोलेंगे कि पत्ती में सिराओं सिरिकाओं के पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक है। पत्ती में सिराओं व सिरिकाओं के विन्यास को क्या बोल देंगे अपन? पर्ण विन्यास, ठीक है। अब इस जो पर्ण विन्यास के आधार पर या पर्ण विन्यास की पर्ण फलक के सिरा विन्यास की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला है अगर हम बात करें तो जाली का,
और सेकंड है रेटिकुलेट और पैरेलल। तो एक हो गया अपना जालिकाबद्ध श्राविन्यास और सेकंड है अपना समानांतर श्राविन्यास। ठीक है, अब हम अगर जालिकाबद्ध या समानांतर की बात करें तो देखिएगा, अगर हम इनकी एक सामान्य बात करें तो जैसे ये पत्ती है अपनी, ठीक है, अगर जो यहां से मध्य सिरा निकलती है, मध्य सिरा दोनों में, ठीक है, अगर जालिकाबद्ध में क्या होगा कि इस मध्य सिरा के दोनों ओर ऐसे सिराएं का सिरकाएं निकले और ऐसे जाल बनाएं, ठीक है, ऐसे जाल बनाएंगे तो इसे तो बोल देंगे अपन जालिकाबद्ध श्राविन्यास। लेकिन समानांतर में क्या होगा कि अगर जो मध्य सिरा है, अगर इस मध्य सिरा के समानांतर ही अगर बेंच निकले तो इसे आप कौन सा श्राविन्यास बोल देंगे, समानांतर श्राविन्यास बोल देंगे। ठीक है, अब इनकी अपन डिटेल में बात करते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं जालिकाबद्ध या रेटिकुलेट की। पहला है अपना जालिकाबद्ध श्राविन्यास, ठीक है, जालिकाबद्ध श्राविन्यास। अगर मैं जालिकाबद्ध श्राविन्यास की बात करूं, अगर मैं जालिकाबद्ध श्राविन्यास की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस श्राविन्यास में सिराएं विभाजित होकर सिराएं सिरकाओं में विभाजित होकर जाल बना लेती है। ठीक है, इसमें इस श्राविन्यास में सिराएं सिरकाओं में विभाजित होकर क्या बना लेती हैं, यहां पे जाल बना लेती हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो सामान्य से यह है डाइकोट में होता है, जितने डाइकोट प्लांट हैं वहां पे होता है। ठीक है, देखिएगा, ऐसा कीजिएगा, आप कभी जैसे पीपल की आपने पत्ती देखी हो तो पीपल की पत्ती कैसी होती है, कुछ ऐसी, कुछ इसी टाइप की होती है ना, ठीक है, देख लेना कुछ, हाँ ये है सर, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये मध्य सिरा है और इसे क्या निकलेंगी, ऐसे बेंच निकलेंगी, ठीक है, तो इस पर आप कभी भी देखना है ऐसे जाल होगा, एक जाल नुमा ऐसी संरचना बनी होती है इस पर। ठीक है, तो ये बात हो गई कि अगर हम सामान्य से बात करें तो जो अपना जालिकाबद्ध श्राविन्यास है वो सामान्यतः कहां पर पाया जाएगा, डाइकोट द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, और अगर हम इसके अपवाद की बात करें, फैलम ये एक पादप है, वैसे द्विबीजपत्री है लेकिन इसमें समानांतर श्राविन्यास पाया जाता है। इसमें समानांतर श्राविन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी जालिकाबद्ध श्राविन्यास की। ठीक है, तो जालिकाबद्ध श्राविन्यास में क्या हुआ कि इस श्राविन्यास में सिराएं सिरकाओं में विभाजित होकर क्या बना लेती है, जाल बना लेती है, और ये होता कहां पे, द्विबीजपत्री पादपों में होता है। लेकिन अगर हम इसके अपवाद की बात करें तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, कैलोफिलम। कैलोफिलम में कैसा होता है, एकल सिरी है, यूनिकोस्टेट
ठीक है। तो पहला ये कल सीरिया सरकार यूनिकोस्टेट का तुमने बहु सीरिया और अस्ताकार ने जगह मल्टीकोस्टेट और पार्लियट। यहां पर क्या होगा कि अपन यहां पर जो श्राव विन्यास है इसमें दो प्रकार का श्राव विन्यास होगा, एकल सीरिया और बहु सीरिया। यहां पर क्या होगा कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा कि एक जैसे किसी कोई पत्ती है तो इस पत्ती से जो एक एक ही मध्य श्रा निकलेगी और इस मध्य श्रा से जो साइड में श्राएं निकलेंगी वो इसी मध्य श्रा से निकलेंगी यहां पर, ठीक है। तो एकल सीरिया या वृक्षाकार में क्या हो जाएगा कि यहां पर श्रा कितनी होगी, एक श्रा होगी और उसी श्रा से क्या निकलेंगे श्राएं निकलेंगी, सॉरी एक मध्य श्रा होगी और उस मध्य श्रा से क्या होगा श्राएं निकलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुश्रिया की बात करूं तो यहां पर क्या होगा कि जो लास्ट वाला ये पर्णग्रंथ है इस पर्णग्रंथ से एक से अधिक मध्य श्रा निकलेंगी, यहां पे एक ही मध्य श्रा निकलेगी। यहां पे क्या होगा कि जो पर्णग्रंथ है उससे एक से अधिक श्राएं निकलेंगी यहां पे, ठीक है। तो हम इनकी बात करते हैं, पहले पहली बात करता हूं मैं, ये कल सीरिया है, ठीक है। अगर मैं एकल सीरिया की बात करूं तो एकल सीरिया में क्या होगा कि इस प्रकार के जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक मध्य श्रा होगी और एक मध्य श्रा से क्या है अनेक श्राएं निकलेंगी जो कहां तक जाएंगी फलक के कोर जो फलक से खाकर तक जाती है, ठीक है। तो यहां पे एक ये मध्य श्रा हो जाएगी और इससे अनेक क्या निकलेंगी अनेक श्राएं निकलेंगी और ये फलक का जो कोर है और शिकाग्र तक है यहां तक क्या होंगी जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक अस्थिरिया। अगर मैं बहुश्रिया की बात करूं तो बहुश्रिया में क्या होगा यहां पे एक मध्य श्रा है, यहां पे एक से ज्यादा श्राएं निकलेंगी मध्य श्रा निकलेंगी इस प्रकार के पर्ण विन्यास में, एक से अधिक यहां पे क्या होगा इस एक से अधिक क्या होंगी मध्य श्रा निकलती है जो फलक कोर तक जाती है, ठीक है। अब अगर मैं इसके आधार पर बात करूं एक से अधिक मध्य श्रा के आधार पर तो ये जो बहुश्रीय श्रा विन्यास है ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है अपना अपसारी और सेकंड है अपना अभिसारी, ठीक है। तो पहला कौन सा अपना अपसारी बहुश्रीय श्राव विन्यास और सेकंड है अपना अभिसारी बहुश्रीय श्राव विन्यास, ठीक है। अब अपन इनकी बात करेंगे तो अगर मैं इनकी बात करूं पहले हम बात करते हैं बहुश्रीय अपसारी की,
यहां पे क्या होगा, बहुसी की अगर मैं अपसारी की बात करूं तो यहां पे क्या होगा कि जो पत्ती का आधार भाग है, जो पर्णग्रंथ के जो आधार भाग है, वहां पे तो क्या होगा कि ये इस प्रकार की पत्तियां होती हैं कुछ। अगर मैं ऐसी बात करूं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेना कुछ ऐसा ही है। ठीक है, देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक मध्य सिरा है, ये एक अलग मुख्य सिरा है, ये मुख्य सिरा है, ये मुख्य सिरा है। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक से अधिक मुख्य सिराएं होती हैं, एक से अधिक मुख्य सिराएं होती हैं, और जो पत्ती के आधार भाग में यहां पे तो कैसी होती है, पास पास होती है, लेकिन जैसे ही पत्ती की कोर किनारों की तरफ और जो पत्ती के कोर की तरफ और जो पत्ती के सिरा है उनकी तरफ जैसे जैसे गति करती है तो ये क्या होती जाती है, फैलती चली जाती है, दूर होती हुई चली जाती है। इसी को अपन कौन सा सिरा विन्यास बोलते हैं, बहुसिरीय अपसारी सिरा विन्यास। तो क्या होगा कि इस ऐसा सिरा विन्यास, या फिर मैं बात करूं इस प्रकार के सिरा विन्यास में, सिरा विन्यास में मुख्य सिराएं आधार भाग में पास पास होती हैं, पत्ती के कोर में शीर्ष की ओर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, या फैल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मुख्य सिराएं आधार भाग में कैसी है, पास पास होती है, लेकिन जैसे ही पत्ती के कोर में सीट्स की ओर जाएंगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। इसके एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे कपास, खीरा, जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के जितने पत्ते हैं या फिर पादप है, उनमें कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, बहुसिरीय अपसारी सिरा विन्यास। ठीक है, अब सेकंड बात करता हूं मैं, सेकंड है अगर मैं अभिसारी की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा यहां पर क्या होता है कि यहां पर तो मुख्य सिराएं क्या हो रहा था, निकल रही थी आधार भाग में पास पास थी, और कैसा हो रहा था यहां पर कि कोर और शीर्ष की ओर जाती जाती कैसी हो जाती, फैल जानी है, फैल जाती थी या फिर एक दूसरे से क्या हो जाती थी, दूर। लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो पत्ती है तो पत्ती में जो पर्णग्रंथ है, यहां पर जो पर्णग्रंथ है उससे एक से अधिक क्या निकलेंगी, मुख्य सिरा निकलेंगी, जो आधार भाग में कैसी होती है, पास पास होती है, और जो शीर्ष भाग है वहां भी कैसी होती है, पास पास होती है, लेकिन बीच में क्या होगा यहां पे, यहां पे क्या होता है, फैल जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फैल जाती है, और फिर ऐसे यहां से जो भी है इनसे इनसे जो भी सिराएं निकलेंगी यहां पे, वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगी, ऐसे जाल बना लेंगी। तो यहां पे क्या था
कि वहां पे यह है कि आधार नाभि में पास पास थी और सीएस और जो कोर की तरफ जैसे ही गई तो कैसे हो गई, फैल गई। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां से मुख्य स्राव से, सॉरी जो पर्णग्रंथ है, यहां से एक से अधिक मुख्य स्राव निकल रही है जो आधार भाग में भी पास है, शीर्ष में भी पास है, लेकिन बीच में क्या क्या हो रही है, बीच बीच में फैल रही है, बीच जो इसका मिडिल पार्ट है वहां पे क्या हो रहा है, फैल रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्णग्रंथ के अगले सिरे से कुछ मुख्य स्राएं निकलती हैं, जो पर्ण फलक के आधार भाग में यह पास पास होती है, मध्य भाग में फैल जाती है, शीर्ष पर ये क्या होता है, कोने कैसे आ जाती है, निकट या पास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे सिराएं तो एक से अधिक निकलेंगी लेकिन आधार पर और शीर्ष पर पास पास होंगी, बीच में क्या होगा, फैल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे देर जी बस और पाल और तेज बात। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया अपना अभी तक का जो श्रविन्यास है, ये जाल का वह श्रविन्यास हमारा अभी हमारा यहां कंप्लीट है। इसके बाद में अपन सामान्य श्रविन्यास की बात करते हैं। दूसरा है अपना ठीक है समानांतर श्रविन्यास में क्या होगा, अगर मैं पहले भी बता चुका हूं आपके, समानांतर श्रविन्यास में क्या होगा कि जो बीच की जो मुख्य सिरा है, बीच की जो मुख्य सिरा है, बीच की जो मुख्य सिरा है, इस मुख्य सिरा से क्या है कि ऐसे समानांतर ही क्या निकलेंगी, यहां पर सिराएं निकलेंगी। यहां पर क्या है कि जो ये सिराएं हैं ये सिरिकाओं में विभाजित होकर क्या नहीं बनाएंगी, यहां पे जाल नहीं बनाएंगी, इस सीधी ऐसे ही यहां पर निकलेंगी और जाल नहीं बनाएंगी, ये क्या होगा एक दूसरे की कैसे चलेंगी, समानांतर चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पर्ण ग्रंथ के अगले सिरे से पर्ण फलक तक कई सिराएं समांतर रूप से फैली रहती हैं, लेकिन क्या नहीं बनाएंगी, यहाँ पे जाल नहीं बनाएंगी। ठीक है, और अपन ने जो बात की थी जाल का, वो जो श्रविन्यास करा था उसकी बात की थी, वो कहाँ पाया जाता है, डाइकोट में। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये पाया जाता है मोनोकोट में।
मोनोकोट में, ठीक है, एक बीजपत्री में। और अगर हम इसके एक अपवाद की बात करें तो अपवाद है इसका स्माइलेक्स, ठीक है, स्माइलेक्स। अगर मैं स्माइलेक्स की बात करूं, वैसे तो ये कैसा है, एक बीजपत्री है, लेकिन जो इसमें श्राविन्यास है वो कौन सा पाया जाता है, जालिकावत श्राविन्यास पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समांतर श्राविन्यास की। तो जैसे अपन ने जालिकावत श्राविन्यास दो प्रकार का पढ़ा था, ऐसे यहां भी ये दो प्रकार का है, एक सिरिया नेट, ठीक है, अब ये अपना बाउसर है, ये एक सिरिया या पिच्छाकार है, ये बहुसिरिया या हस्ताकार है, ठीक है। देखिए भाई इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है कि यहां पर जो है एक सिरिया, अगर मैं श्राविन्यास की बात करूं तो यहां पर क्या है कि जो पत्ती होगी, जैसे अपन बात करें, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, ठीक है, आप केला की बात करो तो आपने केले की पत्ती देखी होगी, तो केले की पत्ती कैसी होती है, कुछ ऐसी ऐसी होती है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि एक सिरिया श्राविन्यास में क्या है कि इसमें एक मुख्य सिरा निकलेगी, ठीक है, एक मुख्य सिरा निकलेगी, और इस मुख्य सिरा से क्या है कि ऐसे समानांतर सिराएं निकलेंगी, ऐसे समानांतर क्या निकलेंगी, सिराएं निकलेंगी ऐसे समानांतर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक सिरिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, एक मुख्य सिरा है, और इस मुख्य सिरा से क्या है कि ये सिराएं निकल रही हैं यहां पे, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, ये सिराएं तो निकली है लेकिन सिरिकाओं में विभाजित नहीं होगी, इस वजह से यहां पे क्या नहीं बनता है, जाल नहीं बनता है यहां पे। और ये कैसी होती है, समानांतरी व्यवस्थित होती है, कैसी व्यवस्थित होती है, समानांतर व्यवस्थित होती है। तो ये तो हो गया अपना एक सिरिया है पिच्छाकार श्राविन्यास, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर क्या है कि इसमें एक मुख्य सिरा होगी, और इस मुख्य सिरा से क्या है कि अनेक सिराएं निकलेंगी जो समानांतर व्यवस्थित होंगी, लेकिन क्या है, सिलिकाओं में विभाजित नहीं होंगी, इस वजह से यहां पर क्या नहीं बनता है, जाल नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन जो एग्जाम्पल है इसका केला है बनाना, ठीक है। अगर मैं बहुसिरिया श्राविन्यास की बात करूं तो बहुसिरिया श्राविन्यास में क्या होगा कि यहां पे एक से अधिक मुख्य सिराएं निकलेंगी। अब उनको जो उनका जो विन्यास है या उनकी जो व्यवस्था है उसके आधार पे जो बहुसिरिया श्राविन्यास है ये भी उसी प्रकार से दो प्रकार का है। तो हम इसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिएगा, एक सिरिया पिच्छाकार श्राविन्यास की बात की हमने, तो यहां पे एक मध्य सिरा के पार्श्व सिराएं एक दूसरे के कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, जो फलक को और फलक से काग्र तक जाती हैं, लेकिन ये क्या है, सिरिकाओं में विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, इनका एग्जाम्पल है बनाना, जिंजर और कैनट, ठीक है। ये इस प्रकार के अगर हम चित्र की बात करें तो देखिए ना, जैसे अपन केले की अगर हम पत्ती की बात करें तो इसमें क्या है कि एक मुख्य सिरा होती है और इससे पार सिराएं निकलती हैं, वे सिराएं सिरिकाओं में विभाजित नहीं होती है और एक दूसरे के कैसे समानांतर व्यवस्थित होती है। अब मैं बहुसिरिया समानांतर श्राविन्यास की बात करूं तो यहां पर क्या है कि अगले सिरे से प्रमुख सिराएं निकलती है, कई प्रमुख सिराएं निकलती है, मतलब एक से अधिक मुख्य सिराएं निकलती है जो फलक और फलक से काग्र तक जाती है, और यह श्राविन्यास कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, ठीक है। तो सबसे मोस्ट बात क्या है, यहां पर कई प्रमुख सिराएं निकलेंगी
जो फलक को और फलक से कागज तक जाती है। यहां पे एक ही मुख्य सिरा थी, यहां पे कई मुख्य सिरा है। इसके आधार पर अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला आया अपना बहुसिरीय अपसारी सिरा विन्यास, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि अगले सिरे से कई मुख्य सिराएं निकलती है जो फलक कोर फिर फलक शिखाग्र तक जाती है, ठीक है। यह सिरिका विभाजित नहीं होती है, अतः जाल नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां और यहां अंतर क्या है? पहला अंतर तो यह है यहां पे एक मुख्य सिरा थी, यहां पे कई मुख्य सिरा है। अगर मैं अपसारी की बात करूं तो यहां पे क्या हुआ कि कई मुख्य सिराएं निकली और फलक कोर और फलक शिखाग्र तक गई, लेकिन क्या है विभाजित नहीं होती है, ठीक है। अपन देख रहे, आपने कभी अगर नारियल की पत्ती देखी है तो इस प्रकार की है, कुछ चित्र ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लेना, आप अपने हिसाब से सही बना लेना, मुझ पे सही बना नहीं है, ऐसा ही बना है कुछ मेरे से, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे यह है, यहां से एक से अधिक क्या निकली है, मुख्य सिरा निकली है, और ये मुख्य सिरा क्या है कि फलक कोर फलक शीर्ष तक गई है और क्या हुआ है फैल गई है, यहां पे क्या हुआ है ये फैल गई है, ठीक है। तो यहां पर मुख्य सिराओं की संख्या कितनी होगी, एक से अधिक है यहां पे, और ये शीर्ष तक जाती है और विभाजित, लेकिन यहां पर क्या है सिराओं में विभाजित नहीं है, इसी वजह से यहां पर क्या नहीं बन रहा है जाल नहीं बन रहा है, ये कैसी है अभी भी एक समांतर क्रम में ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बहुसिरिया में, पहला आपने हो गया बहुसिरिया अपसारी सिरा विन्यास। अगर मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए नारियल और खजूर, यहां पे इसी प्रकार का होता है, ये देखिएगा बहुसिरी। अगर हम अपसारी की बात करें तो यहां पे क्या है कि अगले सिरे से कई प्रमुख सिराएं निकलेंगी और शीर्ष भाग में एक दूसरे की क्या हो गई पास पास आ जाती है, ठीक है। अब अभिसारी में और अपसारी में यही अंतर है कि एक से अधिक मुख्य सिरा तो हमारी जो था अभिसारी में भी निकल गई थी, लेकिन वहां पे क्या था कि वो जो सिराएं हैं वो शीर्ष और किनारे की ओर क्या हो रहा है फैल रही थी, लेकिन यहां पे क्या है जैसे ये शीर्ष भाग पर क्या होगा भाई ये पास पास आ जाएंगी, ठीक है। तो अपसारी और अपसारी में यही अंतर है कि यहां पर वहां भी एक से अधिक मुख्य सिरा तो मुख्य सिरा तो एक से अधिक यहां भी निकल रही है, लेकिन वहां क्या था कि वहां जैसे शीर्ष पर जा रही थी तो शीर्ष वो फैल रही थी, लेकिन ये शीर्ष भाग तो क्या है एक दूसरे के पास पास आ जाती है और ये भी सिरिकाओं में विभाजित नहीं होती है, अगर यहां भी क्या है जाल तो यहां भी नहीं बनता है, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम एक पत्ती की बात करें तो एक पत्ती की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार की अगर देखिएगा, अगर पत्ती है तो इस प्रकार से ये सिराएं निकलेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सिराएं निकलती हैं कि यहां से पर्णग्रंथ के आधार भाग से निकलेंगी और शीर्ष पर जाकर क्या है यहां पर मिल जाएंगी, बीच में ये दूर दूर होंगी, ठीक है। लेकिन ये सिरिकाओं में विभाजित नहीं होंगी, अतः यहां पर क्या नहीं बनेगा जाल नहीं बनेगा। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है गेहूं गन्ना और बांस, ठीक है। तो अभी तक हम पर्ण सिरा विन्यास की बात कर चुके हैं, तो इसमें अभी जो है हमने दो प्रकार का पढ़ा है, एक जाल कवच पढ़ा था एक समांतर पढ़ा था। जाल कवच जो सिरा विन्यास था वो भी दो प्रकार का था, और जो अपना समांतर सिरा विन्यास है ये भी हमने दो प्रकार का पढ़ा है। इस प्रकार से जो हमारा सिरा विन्यास वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप देखते रहिए इस प्रकार से वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।